किसी का मोटिवेशन चैनल ग्रो हो गया तो वो यूट्यूब पे ज्ञान देने लग गया, इस तरीके से नहीं चल पाएगा। जय श्री राम। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, प्लीज़ आपने इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो एंड तक देख लीजिए, क्योंकि एक राइवलरी मेरे को लगता है शुरू होने वाली है। मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर हुआ अब ये वीडियो बनाने के लिए। महात्मा जी टेक्निकल ने मुझको बोला है, नाम नहीं लिया, पता नहीं शायद डर रहे होंगे एक छोटे क्रिएटर से। बोलते हैं कि एक मोटिवेशनल चैनल ग्रो कर लिए तो उनको लगता है बहुत बड़ा तीर मार लिए। तो भाई अगर मैं एक बात करूं तो सबसे पहले तो मोटिवेशनल चैनल आपने भी तो ग्रो किए थे, आप ग्रो करे हो मोटिवेशनल चैनल जहाँ पे स्टूडेंट्स को टारगेट करके वीडियोस बनाते थे, और आज वहाँ पे आप अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो। उसके बाद एक वी मेक क्रिएटर्स नाम का चैनल खोले, उस पर भी सेम वही वीडियो डाल रहे हो, हाउ टू अर्न हाउ टू ग्रो। खुद गलत काम करते हुए शर्म नहीं आ रही इतने ऊँचे लेवल पर जाने के बाद भी? यार मतलब 3,000 के कोर्स, 6,000 के कोर्स, जब मैंने अभी पिछली वीडियो एक बनाया था उसमें मैंने बोला था कि महात्मा जी टेक्निकल भी फालतू के लिए, मतलब फालतू का पैसे में कोर्स बेच रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आपसे अगर खुद पूछा जाए तो आप क्या वैल्यू दे रहे हो लोगों को? यार ऑलरेडी इतने सारे चैनल्स हैं, सब कोई फ्री में बता रहे हैं ग्रो होना, क्या आप 3 महीने में ग्रो करवा दोगे चैनल? ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझको नीचे आए हैं मेरी वीडियो के, उस वीडियो के नीचे वो लोग बोल रहे थे कि यार कर्जा लेके मैंने कोर्स खरीदा 3,000 में, कर्जा लेके मैंने 6,000 में कोर्स खरीदा, कोई बोल रहा 12,000 में कोर्स खरीदा। सोचो कितनी बददुआएं ले रहे हो आप। मैं तो फिर भी ठीक हूँ भाई, मैं अपना चैनल बना रहा हूँ, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, उल्टी सीधी बातें उल्टी सीधी चीज़ें आप लोग कर रहे हो। इतना ऊपर होने के बाद भी भाई ईश्वर ने आपको शक्ति दी है तो लोगों को ऊपर खींचो, है ना। जिसको भी ईश्वर शक्ति देता तो लगता है लोगों को ऊपर खींचो, उसलिए देता है ईश्वर, नहीं कि उसको नीचे दबाओ। आप तो साफ साफ नीचे दबा रहे हैं यार। इंडिया में कितनी ज़्यादा गरीबी देख रहे हो, ऐसे ही कोरोना से अभी स्थिति इतनी बेहाल थी, लोग इतने मुश्किलों से, लोगों की जॉब चली गई, खाने पीने को पैसे नहीं थे, उसके बाद आप उतने समय भी कोर्स बेच रहे अभी भी कोर्स बेच रहे, और ऊपर से दूसरे को बोल रहे हो कि यार एक मोटिवेशनल चैनल ग्रो कर लिए तो ऐसा लग रहा है तीर मार लिए। आपने क्या किया यार? वो तो किस्मत है, आप थोड़ा पहले आए उसके बाद काम किए, जाहिर सी बात है आपका चैनल ग्रो कर गया। ठीक है मैं मानता हूँ आप, मेरे को आपसे बहुत कम नॉलेज है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ यूट्यूब के बारे में, लेकिन आज तो आप गलत कर रहे हो ना यार। आप खुद सोचो, आप क्या बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो क्या? क्या जो 3,000 का आपका कोर्स लेगा कोई, उसके अलावा अगर कोई यूट्यूब पे फ्री में जो बाकी के क्रिएटर्स सिखा रहे हैं उससे काम नहीं होगा? आप क्या अलग प्रोवाइड करा रहे हो लोगों? शर्म करो यार, इतने बड़े क्रिएटर हो के खुद उल्टी सीधी बात करते हो। मेरे को इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करना, मैं इतना ही बस बोलूँगा कि भाई ईश्वर सब देखता है, वो इस जन्म में आपको अगर सारी चीज़ें अच्छी मिली है ना तो अच्छा काम कर लो, नहीं तो अगला जन्म फिर जाना ही जाना है, और आप जो करोगे आपके आने वाले अब समय में निकलेगा। ठीक है इतना ही मेरे को बोलना था, ज़्यादा लंबा मैं वीडियो करूँगा नहीं, मेरे को ज़्यादा बात नहीं करना। मैं देखा, मैं शॉक्ड यार, एक मोटिवेशनल चैनल ग्रो कर ली और ऐसी बात कर रहा है। मैं बहुत सारी बात इस वीडियो में करने वाला था लेकिन मेरा हो गया दिमाग ख़राब, वो तो मैं थोड़ा शांत मन का आदमी हूँ इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बस थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, आपने अगर ये वीडियो देखे हैं तो ठीक है, आप अपनी राय अपनी फिर से वीडियो बना के दीजिए, हम फिर से अपने बारे में बताएंगे आपको। मिलो अगली वीडियो में, श्री सीताराम। ये वीडियो अगर आपके हाथ लगी है ना तो इस वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी कोई बंदा देखे वो YouTube का कोर्स ना ले यार, कोई मतलब नहीं है कोर्स खरीद के, चाहे महात्मा जी टेक्निकल का चाहे किसी का भी, क्योंकि ऑलरेडी आपको YouTube पे बहुत सारे क्रिएटर्स सिखा रहे हैं फ्री में, आप हर चीज़ सीख सकते हो 3 महीने में 6 महीने में, आप कुछ नहीं कर लोगे यार, कोई भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो, और आपके क्या विचार हैं आप नीचे कमेंट में बताओ। कुछ कुछ किसी के बड़े क्रिएटर के बारे में बोल दो सच्चाई ना तो उनके आग लग जाती है। मेरा क्या है, मैं तो बोलता रहता हूँ।